वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। टेक्निकल एग्जाम का प्रिपेरेशन और भी बेटर करने के लिए और भी अच्छा करने के लिए टेक मैकेनिकल यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए 2000 एमसीक्यू पीडीएफ प्रोवाइड किया था, जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर और ग्राइंडर स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर इसमें गलत टाइपिंग हो गया और जिसका वजह से आप लोगों को परेशानी हो रहा है। तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 10 से 12 ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आज जो सही आंसर है वो आंसर मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और ये पीडीएफ काफी हेल्पफुल होगा जो भी आप लोग आने वाला दिन में एग्जामिनेशन देंगे, जैसे बीएआरसी का एग्जाम, इसरो का एग्जाम। मैक्सिमम आप लोग का 80% क्वेश्चन इसी पीडीएफ से कॉमन आने वाला है। जितना भी स्टूडेंट ने पीडीएफ आप लोग पढ़े हैं, जितना भी स्टूडेंट का पास एक पीडीएफ है, वो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पीडीएफ कितना हेल्पफुल है और पीडीएफ का जो क्वेश्चन लेवल है काफी अच्छा है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, इसका बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसका वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, जो अनकॉमन क्वेश्चन होता है, वो सब क्वेश्चन का कलेक्शन करके मैं इस पीडीएफ में आप लोगों के लिए इकट्ठा किया हूं। तो जो भी स्टूडेंट का पास है वो सभी स्टूडेंट आप लोग मेरा साथ चेक कर लेना, और जो स्टूडेंट आज का वीडियो आप लोग ऐसे देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट को मैं बोलूंगा, अगर आप लोग पीडीएफ का डेमो देखना चाहते हो तो पीडीएफ का बहुत सारा क्लासेस, मतलब 1075 तक क्लासेस मैंने यूट्यूब पर सॉल्व किया हूं, जो आप लोग का बीएआरसी का एग्जाम, इसरो का एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, आप लोग एक बार मेरा 2000 एमसीक्यू पीडीएफ का वीडियो देख लीजिए। 1075 क्वेश्चन तक डिस्कशन है, एक एक क्वेश्चन को मैं एकदम बहुत ही अच्छा से क्लियर किया हूं, एक एक टॉपिक को मैं क्लियर किया, जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन है उसी टॉपिक को पूरा मैं डिस्कशन किया हूं। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं जो भी गलत है उसको सुधारने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा मेरा वेबसाइट का, उसी जगह से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एटलीस्ट आप लोग मेरा रिक्वेस्ट सुन के जो भी स्टूडेंट बीएआरसी और इसरो या पीबी जो भी आप लोग आने वाला दिन में एग्जामिनेशन देने वाला हो, सभी स्टूडेंट आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मिल जाएगा टेक मैकेनिकल 2000 एमसीक्यू पीडीएफ डिस्कशन। तो आप लोग देख लीजिए, एक वीडियो देखिए, आपको काफी पसंद आएगा और वो सब क्वेश्चन में इसी से डिस्कशन करता हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिया गया लिंक से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन 56 है, तो 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो। हाँ, इसमें देखो, इफ ए माइक्रोमीटर स्पिंडल हैज 0.5 मिलीमीटर पिच ऑफ थ्रेड एंड सर्कुलर स्केल थिम्बल हैज 25 डिवीजन, इट्स लीस्ट काउंट विल बी। यदि एक माइक्रोमीटर स्पिंडल में धागे की 0.5 मिलीमीटर पिच है और वृत्तकार स्केल थिम्बल में 25 भाग है, तो इसकी न्यूनतम संख्या कितना होगा। तो इसमें आपको माइक्रोमीटर के बारे में बताया जा रहा है, और माइक्रोमीटर के बारे में आपको क्या बताया गया है, वेट करो थोड़ा सा, वेट। एक्चुअली इस पीडीएफ में तो जब टाइपिंग किया था तब एक गलत आंसर हो गया, लेकिन जब इस पीडीएफ का मतलब क्वेश्चन एनालिसिस मैंने किया हूं, तो एनालिसिस करते रहे, इसका सही आंसर, इसका प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें बोला है एक माइक्रोमीटर है, एक माइक्रोमीटर का जो पीच है, ठीक है, पीच कितना दिया है, पीच आपको दिया है 0.5 मिलीमीटर, और जिसका सर्कुलर जो स्केल होता है, सर्कुलर स्केल में टोटल कितना डिवीजन है, 25 डिवीजन है। जनरल माइक्रोमीटर में इधर 50 डिवीजन होता है, ओके, बट इसमें 25 डिवीजन बोला, तो 25 डिवीजन जब बोला तो लिस्ट काउंट कितना होगा। देखो, जनरल जो माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम लोग निकालते हैं पीच ऑफ थ्रेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, ठीक है। उसमें कैसा था, पीच ऑफ थ्रेड 0.5 मिलीमीटर रहता और 50 उसमें थिम्बल डिवीजन होता, तब लिस्ट काउंट आ जाता 0.01 मिलीमीटर। तो आप लोग तो जानते हैं माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, बट इसमें डिवीजन का संख्या कितना दिया, 25 दिया। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में तो पीच ऑफ थ्रेड 0.5 और नीचे 25 हो जाएगा, इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या वैल्यू एक्चुअली दिया है।
तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में जो आप लोगों का एक्चुअली भरने के लिए पर का लिस्ट 0.02 होता है, तो कभी कभी 0.1 का भी भरने के लिए पर का लिस्ट निकालने के लिए देता है, कभी 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 0.025 मिलीमीटर लिस्ट काउंट वाला भरनेर का भी लिस्ट काउंट निकालने के लिए आप लोगों को पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअली राइट आंसर इस पीडीएफ में दिया है ए, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149। ठीक है, इसमें देखिए इन विच टाइप ऑफ फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल इज अबव द टॉलरेंस जोन ऑफ द शाफ्ट। तो इसमें बोल रहा है कि इस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन के नीचे होते हैं। देखो इसमें अगर एक्चुअली देखते हैं टॉलरेंस जोन ऑफ द होल इज अबव द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट, इंग्लिश में एक दिया है और हिंदी में अलग दे दिया। हिंदी में बोला होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट का टॉलरेंस जोन का नीचे होता है। अगर हिंदी का हिसाब से देखें तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, और अगर इंग्लिश का हिसाब से देखें टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज अबव द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट, मतलब होल का जो टॉलरेंस जोन है, ये होल का टॉलरेंस जोन है वो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन से ऊपर है, तो तब राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट, ठीक है। तो इंग्लिश के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बट जो स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट। तो आप लोगों को भी डाउट हुआ तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को हमें डाउट का तौर पे भेजा था, तो हमने देखा कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों डिफरेंट हो गया है। ठीक है, देखो किसी भी एग्जाम पेपर बनता है, वेट, किसी भी एग्जाम पेपर बनता है तो उसमें क्वेश्चन गलत रहता है, तो इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 166, वेट, व्हिच फाइल इज यूज्ड एज फिनिशिंग टूल एंड टू एंश्योर प्रीसाइज स्मूथनेस। तो इसका बारे में बहुत ही अच्छा से मैंने डिस्कशन किया था जब मैं 2000 एमसीक्यू का क्लास प्रोवाइड कर रहा था, तो क्लास नंबर 4 में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो व्हिच फाइल इज यूज्ड एज फिनिशिंग टूल टू एंश्योर प्रीसाइज स्मूथनेस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विस पैटर्न फाइल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर की में इसका दिया है बी, तो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो इसको आप लोग सुधार लीजिए। ओके, 283 नंबर क्वेश्चन। ओके, वेट करो थोड़ा सा, देखो 283 नंबर क्वेश्चन में बोले मेटल रिमूव बाय लैपिंग ऑपरेशन, लैपिंग ऑपरेशन द्वारा निकाली गई धातु है, तो कितना मेटेरियल हम लोग, सॉरी ये तो राइट है, कितना मेटेरियल हम लोग रिमूव करते, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.005 से 0.01 मिलीमीटर। और जो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली गलत है, मेन एलोइंग एलिमेंट फॉर हार्ड शोल्डर इज, हार्ड शोल्डर का मेन एलोइंग एलिमेंट क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट दिया है कॉपर एंड सिल्वर, बट इस क्वेश्चन का एक्चुअली राइट आंसर हो जाएगा कॉपर एंड जिंक। ठीक है, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग सुधार लीजिए। 424 नंबर क्वेश्चन, वेट, 'Which of the following mechanism connected with', तो इसमें देखो पूरा सेंटेंस नहीं है लेकिन हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र डायल टेस्ट इंडिकेटर से जुड़े होते हैं, मतलब इसमें आपका हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज कनेक्टेड विथ डायल टेस्ट इंडिकेटर, मतलब डायल टेस्ट इंडिकेटर का साथ कौन सा मैकेनिज्म कनेक्टेड होता है, तो ये तो नहीं होता वर्म होल नहीं होता, नटल बोल्ट नहीं होता, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं है, क्वेश्चन पूरा नहीं है इसलिए मैं इसको बताया हूं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डाउट था इसलिए मैं आपको बता दिया हूं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है सेपरा स्लोटर मशीन का मैकेनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 497 व्हेन शेपिंग ए वर्कपीस ऑन शेपर, जब शेपर मशीन में हम लोग शेपिंग करते लेंथ ऑफ द स्ट्रोक शुड बी, तो स्ट्रोक का लेंथ कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर तो बी दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन द वर्कपीस लेंथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोर देन द वर्कपीस लेंथ, मतलब वर्कपीस के लंबाई से थोड़ा सा अधिक होना पड़ेगा स्ट्रोक का लेंथ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 665 नंबर क्वेश्चन का डाउट है, तो देख लेते क्या दिया है इस क्वेश्चन में। Which one of the marking media takes a longer time to dry? कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रूसियन ब्लू को सूखने में ज्यादा टाइम लगता है और कॉपर सल्फेट जो होता है कुछ जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, और सेलुलर लेकर होता है एक कॉमर्शियली अवेलेबल मार्किंग मीडिया होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 700 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है। Which one of the following is the reason for built up edge on the cutting edge of the milling cutter? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलिंग कटर के कटिंग एज पर बिल्ट अप एज का कारण है? तो इसमें बोल रहा है मिलिंग कटर के कटिंग एज पर बिल्ट अप एज होने का पीछे कौन सा कारण होता है? देखो टाइप्स ऑफ चिप्स का बारे में स्पेशल क्लास में यूट्यूब पर लिया हूं, तो उसमें बिल्ट अप एज चिप्स क्या होता है मैं आपको बताया हूं। एक्चुअली होता है कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज, और कंटिन्यूअस चिप्स डिसकंटिन्यूअस चिप्स क्या होता है मैं आपको डिटेल में एक अलग से वीडियो में बताया हूं, वो आप लोग देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा बिल्ट अप एज एक्चुअली क्या होता है। और इस क्वेश्चन को भी अगर आप लोग अभी अच्छा से समझना चाहते हो तो 2000 एमसीक्यू का जो प्लेलिस्ट में क्लास दिया है आप लोग देखिए, काफी अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों को 100% गारंटी देकर बता सकता हूं बीएआरसी का और इसरो का जो एग्जाम होगा इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर ए और बी। रेक्टेंगल कम होने से भी होता है क्योंकि चिप सही से फ्लो नहीं हो पाता, और मेटेरियल ऑफ द जॉब इज डक्टाइल, जब सॉफ्ट और डक्टाइल मेटेरियल होता है तो ज्यादा चिप्स प्रोड्यूस होता है, इसीलिए एक्चुअली बिल्ट अप एज होता है मिलिंग कटर का कटिंग एज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग सुन लीजिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। 700 तक हुआ, इसके बाद 1015 नंबर क्वेश्चन, वेट 1015 नंबर। एक्यूरेसी ऑफ सरफेस डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर ऑफ फाइल, सतह की शुद्धता फाइल के किस पैरामीटर पर निर्भर करती है? तो एक्चुअली सरफेस का एक्यूरेसी फाइल का किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है? फाइल का ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें मेटल दिया तो ये गलत हो जाएगा, एक गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग को 5 ग्रेड होता है, सबसे पहले रफ ग्रेड, बस्टर्ड ग्रेड, सेकंड कट और स्मूथ और डेप्थ स्मूथ, ये इसका बेसिस पे मेटल का जो सरफेस एक्यूरेसी होता है वो डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग डेप्थ स्मूथ फाइल यूज करेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा होगा, अगर रफ फाइल यूज करेंगे तो एक्यूरेसी कम होगा, तो ग्रेड ऑफ फाइल के ऊपर एक्यूरेसी ऑफ सरफेस डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1037 वेट, ए 600 मिलीमीटर लॉन्ग शाफ्ट हैज ए टेपर्ड ऑफ 5 मिलीमीटर पर मीटर, व्हाट विल बी द लोएस्ट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इफ हाईएस्ट डायमीटर इज 75 मिलीमीटर। 600 मिलीमीटर लंबे शाफ्ट में 5 मिलीमीटर प्रति मीटर का टेपर होता है, शाफ्ट का न्यूनतम व्यास क्या होगा यदि उच्चतम व्यास 75 मिलीमीटर? तो इसमें आपको बोल रहा है एक लंबे शाफ्ट है जिसका लेंथ कितना है 600 मिलीमीटर है, ओके, बट इसमें इसका जो बड़ा डायमीटर है एक्चुअली टेपर है, ठीक है, इस टाइप का है, इस टाइप का आप लोग मान लीजिए, ठीक है, तो इसका लेंथ है 600 मिलीमीटर और इसका जो बड़ा डायमीटर है 75 मिलीमीटर है, आपको छोटा डायमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें कितना टेपर बोल दिया है मीटर में 5 मिलीमीटर का टेपर, मतलब 1 मीटर में 5 मिलीमीटर का टेपर, 1 मीटर इसके लिए कितना मिलीमीटर होता है 1000 मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर में कितना टेपर होगा 5 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना टेपर होगा 5/1000, और 600 मिलीमीटर जो शाफ्ट का लेंथ है उसमें कितना टेपर होगा 5 × 600/1000, ठीक है, तो इसको काटने के बाद क्या हो जाएगा 0 0 काट जाएगा 2 और 3, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 3, मतलब अगर 1000 मिलीमीटर शाफ्ट में 5 मिलीमीटर का टेपर होता तो
600 मिलीमीटर का शाफ्ट में 3 मिलीमीटर का टेपर होगा। तो इसमें अगर 3 मिलीमीटर का टेपर होता तो छोटा डायमीटर क्या हो जाएगा, बड़ा डायमीटर माइनस टेपर, तो छोटा डायमीटर हो जाएगा 72 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 72 मिलीमीटर, बट क्वेश्चन में दिया 70 मिलीमीटर, तो एक गलत हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग सुधार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1051। जब भी मैं इसका क्लास प्रोवाइड किया सब इसका राइट आंसर बता के गया है, लेकिन एक्चुअली जो स्टूडेंट ओनली पीडीएफ सब्सक्रिप्शन लिया है, पीडीएफ डाउनलोड किया है, वो अगर क्लास नहीं देखा तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए 1051 नंबर क्वेश्चन में बोला था फेसिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, फेसिंग एक डैश ऑपरेशन है, किस टाइप का ऑपरेशन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैशिनिंग द एंड्स ऑफ ए वर्क पीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सर्फेस स्क्वायर विद द एक्सिस। धुरी के साथ एक सपाट सतह वर्ग का निर्माण करने के लिए वर्कपीस के सिरे को मशीनिंग करना, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं जो वर्कपीस का एंड होता है उसका हम लोग टोटली स्क्वायर बनाते हैं उसका जॉब का एक्सिस का सतह। देखिए ना ये टोटल अगर 90 डिग्री हो रहा है तो स्क्वायर ही तो हो रहा है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज बहुत गर्मी है तो ऐसे तो रूम पे एसी नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं, आप लोग फिर भी इस वीडियो बना रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1344 नंबर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग जिग इज यूज्ड फॉर लोकेशन फ्रॉम ए बोर्ड। निम्नलिखित में से किस जिग का उपयोग बोर्ड से स्थान के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए बोर्ड का यूज फॉर लोकेशन फ्रॉम ए बोर्ड मतलब बोर्ड से लोकेशन पता करने के लिए कौन सा जिग हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पोस्ट जिग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा, इसको आप लोग सुधार लीजिए। और एक क्वेश्चन है 1945 नंबर क्वेश्चन, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो इसमें देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट में जो एक्स पार्ट है तो इस पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, तो इस पार्ट का नाम दिया है एक्चुअली स्क्वायर हेड, बट स्क्वायर हेड नहीं होगा, एक्चुअली ये प्रोटेक्टर हेड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इतना सारा क्वेश्चन का आंसर अभी के लिए डाउट लग रहा है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिए। और इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन था, 10-12 क्वेश्चन था जिसमें डाउट था, उसमें से कुछ सेंटेंस गलत था या कुछ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था और कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत था जिसको मैंने सुधार दिया हूं। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप लोगों के पास 2000 एमसीक्यू पीडीएफ नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास किताब तो है, लेकिन इस पीडीएफ को अलग से मैंने बनाया हूं जिसमें आप देख सकते हैं इसका लास्ट में एकदम जैसे अभी हाल ही में जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें मैक्सिमम जगह में डायग्राम से फिगर से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट फिगर होता है जैसे रीडिंग वगैरह फिगर होता है इसी से भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया हूं। तो काफी अच्छा तरीके से इस पीडीएफ को मैंने बनाया हूं, तो अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।